तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड बोर्ड के सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। देखिए बच्चों, अपडेट इस प्रकार है, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि झारखंड में नए सत्र से स्कूली बच्चे पोस्को एक्ट की भी करेंगे पढ़ाई। तो दोस्तों, पोस्को एक्ट को भी आपके पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा, आपके सिलेबस में जोड़ा जाएगा, और यह जो है नए सत्र में विषय जो है, इस विषय पर जो है रेगुलर जो है क्लासेस होगी, रेगुलर जो है कक्षाएं संचालित की जाएगी। 16 थीम विभिन्न विषयों पर जो है ये शामिल है, और विभिन्न विषयों को ये जो है शामिल आपके पाठ्यक्रम में जो है किया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो पोस्को एक्ट है ये होता क्या है, और यह जो आपके सिलेबस में क्यों जोड़ा जाएगा, इसके बारे में हम लोग संक्षेप में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पोस्को एक्ट जो होता है वो क्या है। तो देखिए बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कि वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय आज सकते हैं कि कई मामले आपने देखा होगा कि बाल उत्पीड़न से लेकर, यौन उत्पीड़न से लेकर, इस प्रकार से कई मामले आप लोगों ने देखे होंगे। तो इसी के संरक्षण में जो है यह जो है पोस्को एक्ट जो है 2012 में जो है यह अधिनियमित किया गया था, और इसके जो है अब नए सत्र के अनुसार जो है अब इसे आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। तो बच्चों, समझते हैं कि क्या है पोस्को एक्ट। तो देखिए बच्चों, पोस्को एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम है। इसके अंतर्गत बच्चों के प्रति होने वाले यौन शोषण पर प्रभावी अंकुश लगाने और बच्चों में यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के खिलाफ संरक्षण के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। पोस्को अधिनियम को भारत सरकार ने बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2012 में अधिनियमित किया गया था। यह जो है 2012 में जो है अधिनियमित किया गया था, यह जो है प्रावधान को पारित किया गया था, और इसके तहत जो है बाल यौन शोषण का वर्गीकरण और आरोपियों को सजा के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, और इसके अनुरूप जो है अब बच्चों को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है बताया जाएगा, उसे समझाया जाएगा कि किस प्रकार से जो है इस से जो है अंकुश लगाया जा सकता है, इस पर जो है इसके खिलाफ जो है संरक्षित हो सकते हैं, किस प्रकार से हम इसे बच सकते हैं, पूरी तरह से इसको जो है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो है बताया जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब समझते हैं कि आपके पाठ्यक्रम इसे किस प्रकार से जोड़ा जाएगा और क्यों जोड़ा जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे दिया गया है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी नए सत्र 2024-25 से पाठ्यपुस्तक में, यानी कि आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पोस्को एक्ट जिसके नाम से जाने जाते हैं, पोस्को एक्ट को भी जो है पढ़ेंगे। यानी कि जो नए सत्र वाले विद्यार्थी होंगे 24-25 से, ये जो है पोस्को एक्ट को पढ़ा जाएगा। पोस्को एक्ट के बारे में मैंने बताया कि बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012, इसको आप लोग को याद रखना है। और बच्चों, आगे यहाँ बताया गया है कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि JCERT ने इसे आगामी सत्र के सिलेबस में शामिल किया है। इस विषय में जो है कक्षा छठी से लेकर 12वीं तक के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, और इस विषय में संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी कि ये जो पोस्को एक्ट से रिलेटेड आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी प्रश्न दिए जाएंगे, आपके पाठ्यक्रम, आपके सिलेबस में जोड़ा जाएगा, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल दिए जा सकते हैं। आगे बच्चों, यहां पे देखिए दिया गया है कि JCERT के सहायक निर्देशक बांके बिहारी सिंह ने कहा है कि पहले स्कूलों में हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के तहत जो है पोस्को एक्ट के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती थी, और सीनियर बच्चों को अब यह नियमित कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा, और राज्य के स्कूलों में पहले से ही जो है हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार द्वारा तय 11 विषयों के साथ झारखंड सरकार द्वारा जोड़े गए 5 विषयों में भी शामिल किया गया है। और देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पाठ्य पुस्तक में ये जोड़ने का एक ही महत्व है, एक ही तय निर्णय है कि जो अभी के वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो है पोस्को के जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ रही है, और इसका जो है निपटारण जो है बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में है। तो अब जो है इसे सिलेबस में जोड़ा जाएगा, तो प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्टूडेंट जो है इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, इससे किस प्रकार से संरक्षित हो पाएंगे, किस प्रकार से बच पाएंगे, उसको आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिलने वाला है। पहले स्कूलों में जो है हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के तहत जो है बच्चों की जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब जो है कक्षाओं में नियमित जो है पढ़ाया जाएगा, परीक्षा में जो है पोस्को एक्ट से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, बाल विवाह,
यौन अपराध, बाल अधिकार, मानव तस्करी के प्रति जो है इसे जागरूक बच्चों को किया जाएगा। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के सिलेबस में जो है इसे शामिल किया जाएगा। 15,000 के लगभग विद्यालयों में इसे श्रेणी के राज्य में जो है जोड़ा जाएगा। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप सभी के लिए इसे जो है आपके सिलेबस में जोड़ा जाएगा, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था कि झारखंड के जो 2024 से 25 वाले सेशन विद्यार्थी हैं उनके लिए अब उनके आगे के सेशन वालों को भी ये जो है पाठ्यक्रम में पढ़ने होंगे। पोस्को एक्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा स्कूल स्तर से, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।